नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सुल्तानपुर में भाजपा बूथ ने की 25 लाख की ठगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को नजूल की जमीन का बैनामा किया, रुपए वापस देने से किया मना। भाजपा बूथ अध्यक्ष पर गिरोह बनाकर ठगी करने का आरोप लगा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है। भाजपा नेता और उसके साथियों ने जिस जमीन का लड़की को 25 लाख में बैनामा किया, वो जमीन सरकारी निकली। कब्जा लेने के समय इसकी जानकारी हुई। युवती ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन विधायक के इर्द गिर्द होने के नाते पुलिस बड़ी कार्रवाई से बच रही है। कोतवाली नगर के शास्त्री नगर की रहने वाली समीक्षा सिंह पुत्री श्री विनय कुमार सिंह एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने बताया कि हमें घर के लिए एक अच्छे आवासीय भूखंड की जरूरत थी। मोहल्ले के निवासी राजीव कुमार सिंह बबलू, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने राजीव कुमार सिंह ने हमें उत्तरदहा ग्राम निवासी राम तीरथ से मिलवाया। दोनों लोगों ने पर्यावरण पार्क के पास 2275 वर्ग फीट का भूखंड दिखाया। उन्होंने बताया कि इस भूखंड का कब्जा जगदम्बा प्रसाद तिवारी पुत्र पारसनाथ तिवारी मौजा लंबुआ का है। राजीव कुमार सिंह का हमारे पिता से पुराना परिचय था, ऐसे में विश्वास में आ गए। 4 जुलाई 2023 को हमने जगदम्बा प्रसाद तिवारी से रजिस्ट्री करवाई, जिसमें हमने 25 लाख रुपए गूगल पे और RTGS से अदा किया। पहले से मौजूद लोगों ने रोका। पीड़िता ने बताया कि बीकापुर अयोध्या के बौनामा लेखक लक्ष्मी नारायण शुक्ला को जगदम्बा प्रसाद तिवारी के कहने पर 25,000 रुपए गूगल पे से भेजा था। इसके अतिरिक्त राजीव कुमार सिंह को 40,000 रुपए नगद दिए। यही नहीं, बैनामा लेखक राकेश प्रसाद श्रीवास्तव को 2,60,000 रुपए भी दिए। जब हम बौनामा कराने के तीसरे दिन 7 जुलाई को पिता के साथ अपने भूखंड पर कब्जा लेने पहुंचे, तो यहां पहले से मौजूद लोगों द्वारा कब्जा लेने से रोक दिया गया और उन लोगों ने अपना परिचय नजूल विभाग से बताया। नजूल विभाग का है जमीन पर कब्जा। उन लोगों ने कहा कि यह जमीन नजूल की है। इस पर हम सब हैरान हो गए। नजूल विभाग में छानबीन की तो पता चला कि जमीन के विक्रेता जगदम्बा प्रसाद तिवारी, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, राजीव कुमार सिंह और राम तीरथ द्वारा दिया गया खतौनी प्रपत्र कूट रचित है। ये भी पता चला कि जमीन पर उच्च न्यायालय तक मुकदमेबाजी हुई है, जिसमें उक्त जमीन नजूल विभाग में निहित हो चुकी है। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं, जब रुपए वापस मांगे तो देने से मना कर दिया। इसके बाद मेरे पिता को मीटिंग करने के बहाने कल्प वृक्ष छावनी सदर पर बुलाया। वहां उनसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर पीड़िता ने नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। विवेचना तो प्रचलित है, लेकिन अभी तक कार्यवाही से पीड़िता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आरोपियों को सत्ता संरक्षण मिला हुआ है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।